नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी वन में। राजस्थान CHA आंदोलन, नौकरी बहाली, बड़ी खबर, देखें पूरी जानकारी। अगर साथियों आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं पूरी जानकारी। जैसा कि आप देख सकते हैं खबर आई है, CHA आंदोलनकारियों ने किया आर पार लड़ाई का ऐलान। सुविधा कैडर में भर्ती की है मांग, 63 दिनों से दे रहे हैं धरना। तो लगातार जो कोविड स्वास्थ्य सहायक अपनी नौकरी बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के खिलाफ CHA आंदोलनकारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। पिछले 63 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारी अब प्रदेश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे। CHA संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने कहा है कि हमें प्रदर्शन करते हुए 2 महीने का वक्त बीत गया है, लेकिन सरकार ने अब तक हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में हम विधानसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे। CHA संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सभी चावला ने कहा कि सर्दी से लेकर गर्मी का मौसम आ गया है, 2 दर्जन से ज़्यादा CHA बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। बावजूद इसके हम सुविधा केडर में भर्ती की मांग को लेकर शांतिप्रिय धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझ लिया है। इसलिए अब CHA और उनके परिजन सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान चलाएंगे। इसके साथ ही जब तक CHA को सुविधा कैडर में शामिल कर हमें फिर से रोज़गार नहीं दिया जाएगा, हमारा धरना जारी रहेगा। तो आप देख सकते हैं, दरअसल राजस्थान सरकार ने कोरोना काल के दौरान प्रदेश भर में 24,000 CHA वर्कर्स की नियुक्ति की थी, जिन्हें कोरोना मरीजों के उपचार के साथ घर घर जाकर दवाई लेने देने की जिम्मेदारी दी गई थी। 31 मार्च को CHA वर्कर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। इसके बाद सरकार ने सभी को नौकरी से हटाने का आदेश जारी कर दिया, जिसके खिलाफ प्रदेश भर के CHA वर्कर्स पिछले 63 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। इस दौरान 2 दर्जन से ज़्यादा प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद BJP के साथ कांग्रेस के नेता भी CHA वर्कर्स को फिर से रोजगार देने की मांग करने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं अब जो CHA ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, और लंबे समय से 63 दिनों से जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साथियों ये अपडेट्स थी जो आपके सामने शेयर करनी थी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।